वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि SRS टीम के बारे में, क्योंकि देखिए SRS टीम में फिलहाल देखा जाए इनकी टीम में कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो टीम है उसमें ओवरसीज जो प्लेयर है यानी कि इनके कैप्टन यानी कि एडम माकरम और पैट कमिंस, इन दोनों में से किन्हें कैप्टन बनाएंगे, सबसे बड़ी डिबेट ये आप लोगों को अभी देखने को मिल रही होगी। क्योंकि देखिए 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम में इन्होंने पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं पर देखा जाए इनके पास ऑलरेडी कैप्टन थे यानी कि एडम माकरम। अब यहाँ पर दिक्कत ये फंसती है कि क्या ये पैट कमिंस को कैप्टन बनाएंगे या फिर एडम माकरम से कैप्टनसी लेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट फंसता है, क्योंकि देखिए अगर आप पैट कमिंस की बात करोगे बहुत ही अभी हालिया देखा जाए तो बहुत अच्छी फॉर्म में, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो। सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को अपनी टीम से ड्रॉप तो करोगे नहीं। अगर आपने उन्हें ऑक्शन में देखा जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था, यानी कि कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने कैप्टन के तौर पर देख रहे हो। लेकिन अगर देखा जाए SA20 में अभी एडम माकरम कैप्टन है, जो ईस्टर्न केप निकल के आती है वहाँ पर उन्होंने ट्रॉफी जीती है SA20 में, तो यहाँ पर दिक्कत ये फंस जाती है कि अब देखा जाए कि ऐसा हैदराबाद की मैनेजमेंट किन्हें कैप्टन बनाएगी, पैट कमिंस को कैप्टन बनाएगी या फिर एडम माकरम के साथ जाएगी। क्योंकि देखिए इनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे ओवरसीज प्लेयर हैं। अगर आप चाहो तो मेरे हिसाब से आप 8 के 8 को खिला दोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये टीम बनने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि इनके पास हेनरिक क्लासे होगा, ग्लेन फिलिप्स होगा, इनके पास एडम माकरम, पैट कमिंस, फजल फारूकी, मार्को जेंसन, वरेंदु हसरंग, और अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड भी इस टीम में देखने को मिलते हैं। मतलब क्या ही ओवरसीज प्लेयर है, मेरे हिसाब से अभी तक किसी और टीम में आप लोगों को इतने अच्छे ओवरसीज प्लेयर देखने को नहीं मिलेंगे जो कि आपको हैदराबाद में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि IPL के रूल्स के अनुसार आप सिर्फ और सिर्फ देखा जाए 4 ओवरसीज प्लेयर को अपनी स्क्वाड में डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एडम माकरम या पैट कमिंस, इन दोनों में से किसी एक पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में से कोई ना एक तो आपका कैप्टन बनेगा ही बनेगा। क्योंकि अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, मेरे हिसाब से हैदराबाद की मैनेजमेंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैट कमिंस को कैप्टन के तौर पर देख रही है अपनी टीम के। क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेयर को देखा जाए 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम दे तो वहीं पर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीती हुई है, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों को IPL में भी कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, चाहे फिर वो एडम माकरम ने कोई भी ट्रॉफी जीती हो SA20 की हो चाहे फिर वो कोई भी हो। क्योंकि लास्ट सीजन देखा जाए उन्होंने जब हैदराबाद की कैप्टनसी करी थी तो मेरे हिसाब से 9th नंबर पे या फिर 10th नंबर पे इनकी टीम ने फिनिश किया था, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई थी। तो मेरे हिसाब से इस बार शायद जाहिर सी बात है IPL में देखा जाए आप लोगों को पैट कमिंस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात करें ओवरसीज प्लेयर कौन से ओवरसीज प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, तो देखिए पैट कमिंस खेलेंगे ही खेलेंगे, हेनरिक क्लासन खेलेंगे, जिसमें ट्रेविस हेड भी खेलेंगे। अब एक स्लॉट बचता है जहाँ पर ये जाहिर सी बात है वरिंदु हसरंगा को खिलाएंगे या फिर मार्को जेंसन या फिर एडम माकरम, अब देखना पड़ेगा। लेकिन ये 3 कन्फर्म मान के चलिए, तो कैप्टन की बात करें तो आप लोगों को पैट कमिंस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारी की सारी अपडेट निकल के आ रही थी हैदराबाद की टीम से, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।